स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन का पार्ट 6। इससे पहले हम इस पर 5 वीडियोस बना चुके हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने क्या देखा था कि 1914 में जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका रशियन इंडस्ट्री पर बहुत ज़्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ा था। रशिया में लेबर की और फूड की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी और 1916 तक आते आते कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। विंटर भी बहुत ज़्यादा था और फूड की भी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज हो गई थी। तो 1916 विंटर में फूड के लिए राइड्स भी हो रहे थे, दंगे भी हो रहे थे। तो जब 1914 से जो हालात बिगड़े वो 1916 तक इतने ज़्यादा बिगड़ रहे थे, तो 1917 पे आके हो गया द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन, यानी द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन इन पेट्रोग्रेड। आज हम ये पॉइंट पढ़ेंगे 3। और ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन कब हुआ था? 1917 में। और ये वहीं से बैकग्राउंड बन गया था जो 1914 के बाद से कंडीशंस बहुत ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। और हमने देखा था जो एंटी जर्मन सेंटीमेंट्स थे उसकी वजह से सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदल के पेट्रोग्रेड रख दिया गया था। तो आज हम देखेंगे द फेब्रुअरी रेवोल्यूशन इन पेट्रोग्रेड, क्या क्या उसके रीजंस रहे, क्या उसका बैकग्राउंड था। विंटर की बात करें 1917 की, तो कंडीशन जो थी कैपिटल में पेट्रोग्रेड में वो बहुत ज़्यादा ग्रिम थी, बहुत ज़्यादा ग्लूमी कंडीशन थी, बहुत ज़्यादा बैड कंडीशन थी। द लेआउट ऑफ सिटी सीम टू एम्फेसिस, जो लेआउट था सिटी का, यानी सिटी इस तरीके से बसी हुई थी कि वहाँ पे डिवीज़न नज़र आ रहा था लोगों के बीच। तो ये किस तरीके से डिवीज़न था? वहाँ पे थी रिवर नेवा, यानी नेवा नाम की एक नदी बहती थी और उस रिवर नेवा के राइट साइड पे तो थे वर्कर्स के क्वार्टर्स एंड फैक्ट्रीज। वर्कर्स के क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थे राइट बैंक पे, रिवर नेवा के राइट बैंक पे लोकेटेड थे, जबकि लेफ्ट बैंक पे थे फैशनेबल एरियाज, जो रिच थे वो विंटर पैलेस, जो जार का पैलेस था, एंड ऑफिशियल बिल्डिंग्स इंक्लूडिंग द पैलेस वेयर द ड्यूमा मेट। यानी रिवर नेवा के राइट साइड पे, राइट बैंक पे तो थे वर्कर्स क्वार्टर और फैक्ट्रीज, और रिवर नेवा के लेफ्ट बैंक पे थे फैशनेबल एरियाज, विंटर पैलेस, ऑफिशियल बिल्डिंग्स और वो पैलेस जहाँ पे ड्यूमा की मीटिंग्स होती थी। ड्यूमा क्या थी? ड्यूमा एक पार्लियामेंट थी जो कि जार ने बनाई थी। लेकिन हमने देखा था कि जार ने वो ड्यूमा बनाई तो थी लेकिन उसके जो मेंबर्स थे उससे भी वो कंसल्ट नहीं कर रहा था। फरवरी 1917 में फूड की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा फील की गई वर्कर्स के क्वार्टर्स में, यानी जो रिवर नेवा के राइट साइड में वर्कर्स क्वार्टर्स और फैक्ट्रीज थी वहाँ पे बहुत ज़्यादा फूड की शॉर्टेज हो गई। विंटर बहुत ज़्यादा कोल्ड था, यानी सर्दियाँ बहुत ज़्यादा थी और वहाँ पे एक्सेप्शनल फ्रॉस्ट और हैवी स्नो, बहुत ज़्यादा बर्फ और फ्रॉस्ट छाया हुआ था। पार्लियामेंट्रियंस जितने भी थे जो ड्यूमा में काम करते थे या पार्लियामेंट को सपोर्ट करते थे, वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व किया जाए, यानी गवर्नमेंट जो बनाई गई है, इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उसी की एडवाइस ली जाए, उसी को प्रिजर्व किया जाए। लेकिन जो जार था, जो किंग था जार निकोलस, वो चाहता था ड्यूमा को डिसॉल्व करना, वो ड्यूमा को डिसॉल्व करने की डिज़ायर थी उसकी, उसकी विश थी, उसकी इच्छा थी कि ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए। पहले ही वो ड्यूमा के मेंबर्स की बात नहीं सुन रहा था, कंसल्ट नहीं कर रहा था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हमने देखा था, और अब तो वो चाहता है कि ड्यूमा को डिसॉल्व ही कर दिया जाए, उस ड्यूमा को ख़त्म ही कर दिया जाए। तो जो वो ड्यूमा को ख़त्म करने की जो उसकी डिज़ायर थी, उसको अपोज कौन कर रहे थे? पार्लियामेंट्रियंस। वो चाहते थे कि इलेक्टेड गवर्नमेंट को प्रिजर्व किया जाए और ड्यूमा को डिसॉल्व नहीं किया जाए। 22 फरवरी को एक लॉकआउट हो गया फैक्ट्री में, जो रिवर नेवा की राइट साइड में फैक्ट्रीज थी वहाँ पे लॉकआउट कर दिया गया 22 फरवरी 1917 को। और नेक्स्ट डे वर्कर्स जो थे 50 फैक्ट्रीज के, उन्होंने भी स्ट्राइक कर दी उनको सपोर्ट करने के लिए, उनकी सिंपथी में जो 50 फैक्ट्रीज थी, वर्कर्स थे फैक्ट्रीज के, उन्होंने स्ट्राइक कर दी। इन मैनी फैक्ट्रीज वुमेन लेड द वे टू स्ट्राइक्स, बहुत सारी फैक्ट्रीज में वुमेन भी स्ट्राइक पे चली गई, यानी वुमेन ने लीड की उन स्ट्राइक्स को, वुमेन लीडर्स बनी और उन स्ट्राइक को, उन हड़ताल को सपोर्ट किया उन्होंने। इसीलिए दिस केम टू बी कॉल्ड द इंटरनेशनल वुमेन्स डे, और इसी वजह से इस दिन को इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाता है। अब आप कहेंगे कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे तो 8 मार्च को मनाया जाता है, तो यहाँ पे उस टाइम पे था जूलियन कैलेंडर और बाद में फिर ग्रेगोरियन कैलेंडर फॉलो किया गया, तो जूलियन कैलेंडर और ग्रेगोरियन कैलेंडर में अबाउट 13 डेज का डिफरेंस आता है। तो अगर हम 22 फरवरी से 13 डेज आगे जाएं तो 8 मार्च ही आएगा। तो यहाँ पे इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है, लेकिन उस टाइम की डेट के अकॉर्डिंग ये कब था? 22 फरवरी। तो ये इंटरनेशनल वुमेन्स डे आज भी मनाया जाता है 8 मार्च को।
तो ये क्यों मनाया जाता है आप समझ गए होंगे कि जो स्ट्राइक स्टार्ट हुई थी उसमें वुमेन ने भी बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया था, वुमेन ने लीड किया था उस स्ट्राइक को, और इसीलिए इसको इंटरनेशनल वुमेन्स डे कहा जाता है। जो वर्कर्स थे जो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे, प्रदर्शन कर रहे थे, वो वहां से क्रॉस होते हुए निकलते हुए फैक्ट्री क्वार्टर से कहाँ आ गए, वो अब कैपिटल में आ गए। कैपिटल थी नेवेस की प्रोस्पेक्ट, जो नेवेस की प्रोस्पेक्ट थी कैपिटल थी उसके सेंटर की जगह थी, तो वहां पे ये सारे प्रदर्शन करते हुए डेमोन्स्ट्रेट करते हुए वर्कर्स आ गए। अब यहाँ पे नो पॉलिटिकल पार्टी वॉज एक्टिवली ऑर्गेनाइजिंग द मूवमेंट, उस टाइम तक कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी जो कि मूवमेंट को, इस आंदोलन को ऑर्गेनाइज कर रही हो, यानी बिना किसी लीडर के ही जो वर्कर्स थे वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे थे और प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट में जार के। एज अ फैशनेबल क्वार्टर्स एंड ऑफिशियल बिल्डिंग वर सराउंडेड बाय वर्कर्स, वर्कर्स ने जो फैशनेबल क्वार्टर्स थे, ऑफिशियल बिल्डिंग्स थी, हमने देखा था रिवर नेवा के लेफ्ट साइड में, उन सबको घेर लिया। वर्कर्स ने ऑफिशियल बिल्डिंग्स को, फैशनेबल क्वार्टर्स को, और जो भी जार के आसपास जो पैलेस था उसको घेर लिया। तो गवर्नमेंट ने वहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया, गवर्नमेंट नहीं चाहती थी कि इस तरीके की एक्टिविटीज हो, और जो मूवमेंट चल रहा था वर्कर्स का, उनको कोई पॉलिटिकल पार्टी लीड भी नहीं कर रही थी, वो बिना किसी सपोर्ट की अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, अपना प्रदर्शन कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया और जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो शाम तक इधर उधर हो गए, यानी कि उस तरीके से उनका डेमोन्स्ट्रेशन बिखर गया। लेकिन वो फिर से इकट्ठा हुए 24th and 25th February को, यानी वहां पे वो बार बार इकट्ठा हो रहे थे और अपना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी को तरह से कोशिश कर रही थी उनको हटाने की। तो जब पहले यहाँ पे कर्फ्यू लगाया गया तो डेमोन्स्ट्रेटर्स डिस्पर्स हो गए, लेकिन वो 24th और 25th February को फिर से डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए आ गए। गवर्नमेंट ने अब की बार क्या किया, कैवलरी को और पुलिस को बुला लिया टू कीप एन आई ऑन हिम देम, उन पे नजर रखने के लिए गवर्नमेंट ने कैवलरी और पुलिस को बुला लिया, क्योंकि वो इस तरीके की एक्टिविटीज को रोकना चाहते थे। संडे को 25th February को द गवर्नमेंट सस्पेंडेड द ड्यूमा, फाइनली जो गवर्नमेंट थी उसने ड्यूमा को सस्पेंड कर दिया, यानी ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया, क्योंकि गवर्नमेंट कौन है यहाँ पे, गवर्नमेंट जार ही था, जार निकोलस सेकंड जो वहाँ का किंग था उसी के हाथ में थी सारी गवर्नमेंट, और वो चाहता था कि पार्लियामेंट को ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया जाए। तो यहाँ 25th February को संडे को उसने ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया गया। तो यहाँ तक था बैकग्राउंड जो फरवरी रिवॉल्यूशन का था। अब यहाँ पे और क्या क्या हुआ हम देखते हैं। 25th February 1917 को गवर्नमेंट ने ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया गया, तो उसके खिलाफ में पॉलिटिशियंस खड़े हो गए, पॉलिटिशियंस ने क्रिटिसाइज किया और उसके अगेंस्ट में बोला कि इस तरीके से ड्यूमा को डिसॉल्व नहीं करना चाहिए था। डेमोन्स्ट्रेटर रिटर्न्ड इन फोर्स, अभी तक तो डेमोन्स्ट्रेटर बिना किसी पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्ट के थे, हमने देखा था जो वर्कर्स थे डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो बिना किसी लीडर के थे, लेकिन अब उनको सपोर्ट मिल गया पॉलिटिशियंस का भी, क्योंकि पॉलिटिशियंस भी अब अगेंस्ट हो गए थे जार के, गवर्नमेंट के, क्योंकि उन्होंने ड्यूमा को डिसॉल्व कर दिया था। तो अब डेमोन्स्ट्रेटर्स को यहाँ पे सपोर्ट मिल गया पॉलिटिशियंस का, तो वो फिर से अपने पावर के साथ लौटे और स्ट्रीट ऑफ द लेफ्ट बैंक के साइड में 26 को फिर से उन्होंने डेमोन्स्ट्रेशन किया। 27th February को पुलिस हेडक्वार्टर्स पे उन्होंने अटैक कर दिया, पुलिस हेडक्वार्टर्स को रैंसैक कर दिया, लूट लिया। द स्ट्रीट थॉर्न्ड विद पीपल रेजिंग स्लोगन, अब यहाँ पे लोग पूरे स्ट्रीट में जो घूम रहे हैं उनके पास कौन कौन से स्लोगन्स थे, स्लोगन्स का जो मेन मैटर था वो था ब्रेड वेजेस बेटर आवर्स एंड डेमोक्रेसी, यानी जो लोग थे उनकी डिमांड क्या थी कि उनको फूड मिले, उनको वेजेस सही मिले, उनके जो वर्किंग आवर्स हैं वो बेटर हो जाए, और डेमोक्रेसी चाहिए थी उनको, क्योंकि वहाँ पे मोनार्की थी और जार निकोलस का ही पावर था। तो यहाँ पे लोग इस तरीके के नारे लगा के ब्रेड वेजेस बेटर आवर्स और डेमोक्रेसी की डिमांड करते हुए स्ट्रीट में आ गए थे। गवर्नमेंट ने फिर से इनको कंट्रोल करने की कोशिश की, सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की, और कैवलरी को फिर से बुलाया। कैवलरी क्या होती है, मिलिट्री आर्म फोर्सेज जो होती हैं पुलिस की स्पेशल फोर्सेज, उनको बुलाया। हावर द कैवलरी रिफ्यूज टू फायर ऑन द डेमोन्स्ट्रेटर, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंट बात ये हुई कि जो गवर्नमेंट ने कैवलरी को बुलाया, यानी कि जो उनकी आर्मी थी मिलिट्री थी उनको बुलाया, उन्होंने डेमोन्स्ट्रेटर पे फायर करने से मना कर दिया, यानी उन्होंने कहा कि हम इन पे फायर नहीं करेंगे, हम इनको नहीं मारेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं डेमोन्स्ट्रेटर्स को आर्मी का भी सपोर्ट मिल गया था। तो यहाँ पॉलिटिशियंस का सपोर्ट मिला, फिर वहाँ के सोल्जर्स और आर्मी का भी सपोर्ट मिलता जा रहा है, धीरे धीरे सब लोग जार के खिलाफ हो रहे हैं, गवर्नमेंट के खिलाफ होते जा रहे हैं और यहाँ यूनाइट होते जा रहे हैं। एक ऑफिसर को शॉट किया गया रेजिमेंट के बैरक में, और जो 3 अदर रेजिमेंट्स थे वो म्यूटिनाइड हो गए। म्यूटिनिटी का मतलब यहाँ पे ज्वाइंट हो गए, वो यहाँ पे वर्कर्स जो स्ट्राइक कर रहे थे उनको सपोर्ट करने लग गए।
वोटिंग टू ज्वाइन द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। तो हमने पहले देखा कि पॉलिटिशियंस भी अब यहाँ सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि डीमा को डिसॉल्व कर दिया तो वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे, तो वो वर्कर के सपोर्ट में आ गए। और जितने भी आर्मी फोर्स थी, जो मिलिट्री थी, उन्होंने भी फायर करने से मना कर दिया डेमोन्स्ट्रेटर्स पे। और यहाँ एक म्यूटिनिटी देखने को मिली, वो क्या कि स्ट्राइकिंग वर्कर्स को सपोर्ट कर रहे थे पॉलिटिशियन के साथ साथ जो रेजिमेंट थी वो भी। तो यहाँ एक तरीके से इन सब ने मिल के बाय द इवनिंग सोल्जर्स स्ट्राइकिंग वर्कर है गैदर टू फॉर्म ए सोवियत। जितने भी सोल्जर्स थे और जितने वर्कर्स स्ट्राइक कर रहे थे, हड़ताल कर रहे थे, उन सब ने इकट्ठा होकर एक सोवियत बनाई, एक काउंसिल बनाई। सोवियत एक रशियन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है काउंसिल, और उन्होंने उसी बिल्डिंग में काउंसिल बनाई जहाँ पे ड्यूमा की मीटिंग्स होती थी। तो यहाँ पिक्चर में दिखा रखा है द पेट्रोग्रेड सोवियत मीटिंग। तो यहाँ पे आपने देखा कौन कौन है, सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स। अब यहाँ पे सोल्जर्स और स्ट्राइकिंग वर्कर्स आपस में मिल चुके थे और उन्होंने मिलके इकट्ठा होके एक सोवियत बनाई, एक काउंसिल बनाई, और उसी बिल्डिंग में वो बनी जहाँ पे ड्यूमा मिलती थी। दिस वॉज द पेट्रोग्रेड सोवियत, और इसी को कहा जाता है पेट्रोग्रेड सोवियत। तो इस पे क्वेश्चन बन सकता है कि पेट्रोग्रेड सोवियत क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स थे और जो सोल्जर्स थे वो मिल के उन्होंने एक काउंसिल, एक सोवियत बनाई थी, और इसी को कहा जाता है पेट्रोग्रेड सोवियत। अगले दिन ए डेलीगेशन वेंट टू द सी द ज़ार। अब वहाँ से उनके रिप्रेजेंटेटिव, क्योंकि अब उनकी एक सोवियत बन गई है, कमिटी बन गई है, काउंसिल बन गई है, तो वहाँ के जो डेलीगेशन थे यानी कि वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव थे लोग, वो ज़ार से मिलने गए, राजा से मिलने गए। मिलिट्री कमांडर्स एडवाइज इन टू एब्डिकेट, जो मिलिट्री के कमांडर्स थे उन्होंने ज़ार को एडवाइस दी कि अब वो अपना क्राउन छोड़ दे, अपनी राजशाही, अपना जो भी पद है वो छोड़ दे, एब्डिकेट कर दे उसको, क्योंकि अब लोग तो उसके खिलाफ हैं और कोई भी नहीं चाहते, चाहे पॉलिटिशियंस हों, चाहे स्ट्राइकिंग वर्कर्स हों, चाहे मिलिट्री हो, कोई भी नहीं चाहता कि ज़ार किंग रहे, और सबके खिलाफ सब प्रोटेस्ट में हैं। इसलिए उन्होंने एडवाइस दी कि ज़ार अपना ये जो है क्राउन उसको छोड़ दे। ही फॉलोड देयर एडवाइस एंड एब्डिकेटेड ऑन 2 मार्च। यहाँ पे ज़ार ने उनके एडवाइस को फॉलो करते हुए 2 मार्च को अपना क्राउन छोड़ दिया, अपने पद से वो हट गया। सोवियत लीडर्स एंड ड्यूमा लीडर्स फॉर्मड ए प्रोविजनल गवर्नमेंट टू रन द कंट्री। अब ज़ार तो एब्डिकेट हो ही चुका था, तो जो सोवियत के लीडर्स थे और ड्यूमा के जो लीडर्स थे, ड्यूमा को भी यहाँ पे डिसॉल्व कर दी थी, लेकिन जो ड्यूमा के लीडर्स थे जो ज़ार के अगेंस्ट थे, और जो सोवियत लीडर्स, जो अभी हमने देखा कि वर्किंग जो स्ट्राइकिंग वर्कर्स से थे और जो सोल्जर्स थे, उन्होंने मिलकर सोवियत बनाई थी। तो जो सोवियत के लीडर्स थे और ड्यूमा के लीडर्स थे, उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बना दी, क्योंकि अब कंट्री चलाने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट तो चाहिए, और ज़ार ने भी एब्डिकेट कर दिया है। तो सोवियत लीडर्स और ड्यूमा लीडर्स ने मिल के एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई, उस वक्त कंट्री को चलाने के लिए वो गवर्नमेंट बनाई गई। रशियाज फ्यूचर वुड बी डिसाइडेड बाय ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और उन्होंने डिसाइड किया कि रशिया का जो फ्यूचर है वो एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा डिसाइड होगा। इलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज, और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज का क्या मीनिंग था कि सभी को वोट देने का अधिकार मिलेगा, जितने भी एडल्ट थे 18 ईयर्स से अबव उनको वोट देने का राइट मिलेगा, और उनके वोट के अकॉर्डिंग ही एक असेंबली चुनी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी, और उसी से रशिया का फ्यूचर डिसाइड होगा। तो पेट्रोग्रेड हैड लेड द फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन दैट ब्रॉट डाउन द मोनार्की इन फेब्रुअरी 1917। तो यहाँ आपने देखा कि मिलिट्री और स्ट्राइकिंग वर्कर्स और पॉलिटिशियंस सब इकट्ठा हो गए, उन्होंने सोवियत बनाई, और जो ज़ार था उसको एडवाइस किया एब्डिकेट करने का, और ज़ार ने अपना क्राउन छोड़ दिया 2 मार्च को। और ज़ार के एक पद छोड़ते ही क्या हो गया, वहाँ पे मोनार्की का एंड हो गया, यानी मोनार्की खत्म हो गई, और वहाँ पे उन्होंने एक प्रोविजनल गवर्नमेंट बनाई कंट्री को चलाने के लिए। तो यहाँ एक इस लाइन पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बने हैं कि पेट्रोग्रेड ने एक ऐसा फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन लीड किया जिससे मोनार्की खत्म हो गई फेब्रुअरी 1917 पे। तो इसको एक्सप्लेन करने का भी क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से फेब्रुअरी 1917 में मोनार्की का एंड हुआ। तो आपको ये सारी इवेंट्स को पॉइंट्स में अच्छे से समझाना है कि क्या क्या इवेंट्स हुई, किसकी वजह से ये फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन हुआ और मोनार्की का एंड हुआ। तो आई होप कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। फेब्रुअरी रिवॉल्यूशन के बाद आगे क्या हुआ हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। Please like, subscribe and share.